अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नोट दैट गाइस, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कि लेट D6 करके एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 6. अब देखो गाइस, जब भी मैंने बोला था कि हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे सेट के अंदर, तब हम क्या करेंगे, उसको टेबल में प्रेजेंट करेंगे. क्लियर? यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, तो हमारा टेबल कितने का बनेगा, 5x5 का बनेगा. क्लियर? आगे देखते हैं, एवरी ए एंड बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे, तो कि D6 में से, सब यहाँ से बिलोंग करें. क्लियर? डिफाइन, हमें डिफाइन करना है प्लस इंटू एंड कॉमा, यानी कि उसके सबके तीनों के टेबल बनाने पड़ेंगे बाय, और वो टेबल भी हमें कौन से रूल से बनाने हैं, तो कि ए प्लस बी एलसीएम से बनाना है, ए इंटू बी जीसीडी से बनाना है, और ए डैश 6x A करके बनाना है, और शो दैट D6 प्लस इंटू डैश 1, 6 इज ए बुलियन अलजिब्रा. अब देखो गाइस, हमें इसको बुलियन अलजिब्रा के जैसे दिखाना है, बट ओरिजिनली बुलियन अलजिब्रा में यहाँ पे वैल्यू कैसा होता है, 0, और यहाँ पे वैल्यू कैसा होता है, 1. इट मीन्स कि हमें 1 और 6 को एज अ 0 एंड 1 भी प्रूफ करना पड़ेगा. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन तीनों को डिफाइन करते हैं ये 3 टेबल के थ्रू, एलसीएम, जीसीडी और 6x A से. क्लियर? तो पहला टेबल बनाते हैं हम प्लस का, दूसरा बनाते हैं इंटू का, और तीसरा बनाते हैं डैश का. ओके, हमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट हॉरिजेंटल और फर्स्ट वर्टिकल में जितना वैल्यू दिया है वो लिख देते हैं. क्या है, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, और यहाँ पे क्या होता है, 1, 2, 3 एंड 6. क्लियर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस वाला टेबल हमें बनाना है एलसीएम से. ओके, क्या करेंगे, ये चारों के चारों एलिमेंट को पहले कंसिडर करेंगे 1 के साथ एलसीएम लेंगे, फिर चारों को 2 के साथ, फिर चारों को 3 के साथ, और फिर चारों को 6 के साथ. बट नोट दैट कि जिस लाइन का आप एलसीएम ले रहे हो उस लाइन में आपको आंसर लिखना है. क्लियर? तो पहले हम कंसीडर करते हैं ये 1 को. ओके, 1 और 1 का एलसीएम गाइस कितना होगा, तो कि 1. 1 एंड 2 का एलसीएम कितना होता है गाइस, तो कि 2. 1 एंड 3 का एलसीएम कितना होता है, 3. 1 एंड 6 का एलसीएम कितना होता है, 6. क्लियर गाइस? सारे एलिमेंट्स को इसके साथ एलसीएम करना है और यहाँ पर लिखना है. अब सारे एलिमेंट्स को हम लोग एलसीएम करेंगे 2 के साथ. ओके, ये हो चुका, अब 2 के साथ करते हैं. तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2. 2 एंड 2 का एलसीएम, 2. 2 एंड 3 का एलसीएम गाइस कितना होता है, एलसीएम में तो हमें रूल पता है ना गाइस, जो बड़ा नंबर होता है वो लेंगे, अगर इवन नंबर दोनों है, दोनों ऑड है तो, और अगर कुछ कॉमन वगैरह नहीं निकल रहा है तो सिंपली दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन. तो 2 एंड 3 उसका एलसीएम गाइस कितना होता है, 6. 2 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा, 6. क्लियर? नेक्स्ट वन, अब 2 हो गया, इन सबको करते हैं 3 के साथ. तो 1 एंड 3 का एलसीएम होता है गाइस 3. 3 एंड 2 का होगा 6. 3 एंड 3 का एलसीएम होगा 3. 3 एंड 6 का एलसीएम होगा 6. क्लियर गाइस? पता चल रहा है ना? अब नेक्स्ट वन, सारे एलिमेंट्स को 6 के साथ एलसीएम लेते हैं. ये 3 हो गया. अब 1 एंड 6 का एलसीएम होगा 6. 6 एंड 2 का एलसीएम होगा 6. 6 और 3 का एलसीएम अगेन 6. एंड 6 एंड 6 का एलसीएम कितना होता है गाइस, 6. तो ये हो गया हमारा प्लस टेबल. अब देखते हैं इंटू का टेबल. इंटू के टेबल में गाइस आपको क्या लेना है, तो कि जीसीडी. क्लियर? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आपको फाइंड करना है, कॉमन कॉमन जो निकल रहा है वो. अब देखो, इन चारों एलिमेंट को जैसे यहाँ पे अप्लाई किया था ना, वैसे ही यहाँ पे अप्लाई करना है. चारों एलिमेंट को पहले के साथ जीसीडी करता है. तो 1 और 1 का जीसीडी यानी कि कॉमन कितना निकलेगा, 1. 1 एंड 2 में से गाइस, तो कि 1. 1 एंड 3 में से अगेन 1. 1 एंड 6 में से जीसीडी क्या निकलेगा, तो कि 1. अब इन चारों को 2 के साथ जीसीडी करते हैं. ओके, 1 एंड 2 में से आपका जीसीडी क्या निकलेगा गाइस, तो कि 1. 2 एंड 2 में से जीसीडी यानी कि कॉमन क्या निकलेगा, 2. 2 एंड 3 में से कॉमन क्या निकलेगा, कुछ नहीं. और अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम कितना पुट करेंगे, 1. 2 एंड 6 में से कॉमन कितना निकलेगा गाइस, तो कि 2. ओके, अब इन चारों एलिमेंट्स को हम 3 के साथ जीसीडी करते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो कि 1 एंड 3 में से कितना कॉमन निकलेगा, 1. 3 एंड 2 में से कितना कॉमन निकलेगा, अगेन कुछ नहीं, तो वो वैल्यू हो जाएगा 1. 3 एंड 3 में से कॉमन कितना निकलेगा, तो कि 3. एंड 3 एंड 6 में से कॉमन कितना निकलेगा गाइस, 3 निकलेगा. क्लियर? नेक्स्ट वन, इन सबको हम जीसीडी करते हैं, कॉमन करते हैं 6 के साथ. तो 1 एंड 6 में से 1. 2 एंड 6 में से कितना निकलेगा, 2. 6 एंड 3 में से कितना निकलेगा, 3. एंड 6 एंड 6 में से कितना निकलेगा गाइस, तो कि 6 निकलेगा. क्लियर? तो ये हो गया हमारा इंटू टेबल. अब हम सिंपली करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का टेबल. अब देखो गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री का आप ये रूल अप्लाई करते हो नहीं करते हो, जैसे मैंने बोला था कि प्लस एलसीएम
इंटू जी सी डी, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है रिवर्स, अगर आप इसको रिवर्स में लिख दो तो हमारा क्या है 1, 2, 3 एंड 6, तो रिवर्स क्या होगा 6, 3, 2, 1। अब देखो ये मैंने शॉर्टकट से करवाया, अब उसका ये लॉ अप्लाई करो 6 बाई ए, ए हमारा क्या है गाइस तो कि ये सारे एलिमेंट्स, क्लियर। 6 बाई 1 करो कितना मिलता है 6, 6 बाई 2 3, 6 बाई 3 2, 6 बाई 1 यानी 6 बाई 6 कितना मिलेगा 1, यानी कि अगर आप ये वाला रूल अप्लाई करते हो तो भी आपको यही आंसर मिलेंगे, और डायरेक्टली रिवर्स करोगे तो भी यही आंसर मिलेंगे, क्लियर गाइस। सो ये तो हम लोगों ने पहले किया इन तीनों को डिफाइन, अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये हमारा बुलजन अब्रेला है, हमें ऐसा उसको क्या करना है, शो करना है, क्लियर। अब देखो शो करने के लिए हमारे पाँचों के पाँचों लॉ सेटिस्फाई होने चाहिए, बट हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो विदाउट एनी प्रूफ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कब, जब प्लस टेबल और इनटू टेबल के डायगोनल एलिमेंट सेम हो। डायगोनल चेक करो तो 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 दोनों सेम है, तो कम्यूटेटिव लॉ बिकॉज ऑफ सिमेट्री होने के वजह से अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है, क्लियर। तो वो लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। सेकेंड वन लॉ हम अप्लाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब गाइस जब भी एसोसिएशन वाला लॉ आपको अप्लाई करना होता है तो आपके पास 3 वैल्यू होने चाहिए, क्लियर। किसी भी 2 का एसोसिएशन करके तीसरे के साथ आंसर करते हैं फिर भी हमारा आंसर सही माना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 6। सिंपली हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट हम लोग कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहली 3 वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। आप कोई भी वैल्यू लो आपका आंसर सेम ही आता है, बट हमें लाइन में लेना है वैल्यू, ओके। तो हम लोग फर्स्ट वन कंसिडर करते हैं 1, 2 एंड 3 के लिए एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं, अगर आप दूसरे किसी नंबर के लिए भी अप्लाई करोगे तो भी आंसर तो हमें सेम ही मिलेगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पे देखो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग पहले से इसका फॉर्मेशन बना के रखा है, हम लोगों ने पहले ऐसा लिया है कि 2 प्लस 3 करेंगे और फिर 1 के साथ प्लस करेंगे, और उसका ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आप उसका एसोसिएशन चेंज करो तो इन दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, हमें सेम मिलने चाहिए, तो ही एसोसिएटिव लॉ प्रूफ होगा ना। आपने पहले एसोसिएशन किया 2, 3 का, फिर करते हो 1, 2 का, तो भी आंसर हमें सेम मिलना चाहिए। बट मैंने डेफिनेशन के टाइम पे ये बोला था कि हमारी जो प्लस और इनटू है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले नहीं है, जैसे 2 प्लस 2 4 करते हैं वैसे नहीं है, बट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन का कैलकुलेशन कैसे होगा ना वो आपको खास ध्यान देना है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो पहले कैलकुलेशन किसका करेंगे, 2 प्लस 3 का करेंगे, तो 1 तो पहले हमें एज इट इज ही रख देना पड़ेगा कि 1 प्लस। अब 2 प्लस 3 गाइस हमें 2 प्लस 3 5 नहीं करना है, बाइनरी करना है, क्या, तो कि प्लस टेबल में देखो पहला लेटर देखोगे वर्टिकल लाइन में, दूसरा लेटर देखोगे यानी कि दूसरा नंबर देखोगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन में, पहला नंबर हमें देखना है वर्टिकल लाइन में, दूसरा नंबर देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन में, पहला नंबर कौन सा है 2, यहां से 2 फाइंड करो तो प्लस टेबल में, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो प्लस टेबल में देखना है, यहां पे 2, यहां पे 3, उन दोनों का पॉइंट कहां पे मिलता है 6, तो 2 प्लस 3 बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या होंगे गाइस 6 होंगे, इज इट क्लियर। अब हमें देखना है 1 प्लस 6 का, सेम एज इट इज, फर्स्ट नंबर वर्टिकल लाइन में, सेकंड नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में, यहां से 1, यहां से 6, कहां पे मिलता है तो कि 6, इट मींस कि इसका आंसर आपको मिलेगा 6। अब इन दोनों का भी आंसर चेक करते हैं तो हमें 6 मिलना चाहिए, तो ही एसोसिएशन प्रूफ होगा ना, तो पहले हम 1 और 2 का करेंगे, तो यहां पे देखो 1 और यहां से 2 कितना मिलता है तो कि 2, और प्लस 3 तो एसोसिएशन के बाहर है तो उसको एज इट इज रखते हैं अभी। अब 2 प्लस 3 का करो, 2 एंड 3 कितना आंसर मिलता है तो कि 6, इट मींस कि ये दोनों के आंसर हमारे कैसे हैं, सेम है। अब ऐसा ही एसोसिएशन वाला लॉ मल्टीप्लीकेशन के लिए भी तो होता है ना, तो पहले देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 है, तो पहले कैलकुलेशन किसका करेंगे, 2 एंड 3 का करेंगे, तो 1 को तो एट दैट टाइम एज इट इज रखना पड़ेगा, 2 इंटू 3, अब बीच में इंटू है तो इंटू टेबल में देखना है, सेम रूल, पहला नंबर वर्टिकल में से दूसरा हॉरिजॉन्टल में से क्या देखना है, 2 इंटू 3, 2, 3 कितना मिलता है तो कि 1, अब क्या देखना है 1 इंटू 1 कितना होता है तो कि 1, इसका आंसर आएगा 1, ओके। सेकेंड सेम एज इट इज इसके लिए करते हैं, तो कि पहले 1 इंटू 2 फाइंड करते हैं, तो 1 एंड 2 कितना होगा 1, फिर फाइंड करते हैं उसको हमें करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई क्योंकि वो एसोसिएशन से बाहर है, अब 1 इंटू 3 फाइंड करो, 1 इंटू 3 कितना आंसर मिलता है 1, देखो इन दोनों के आंसर हमारे कैसे हैं, सेम है, तो एसोसिएटिव लॉ हमारा प्रूफ होता है, ओके। अब हम प्रूफ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर 2, 3 एंड 6,
हमने यहाँ पे पहले 3 नंबर लिए थे, तो अब ये लो के लिए हम लोगों ने लास्ट के 3 नंबर लिए। आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आप ये 1, 2, 3 के लिए फाइंड करते हो तो भी रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। ओके, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखा है कि अगर आपके 3 जो मतलब इक्वेशन है, या फिर 3 आपके जो लेटर्स है, या फिर 3 इवेंट्स है, वेरिएबल है, उसके बीच में अलग अलग साइन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ब्रैकेट का ओपन करने का मतलब है। अदरवाइज यहाँ पे सेम साइन होता प्लस प्लस या इंटू इंटू तो वो इसके जैसा ही हो जाता। क्लियर? तो अब हम देखो यहाँ पे ऐसा मैंने इक्वेशन बनाया कि 2 + 3 करते हैं, फिर इंटू करते हैं 6 के साथ। आपको ये खास ध्यान देना है कि 2, 3 और 6 लाइन में होना चाहिए, 2, 3 और 6। आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो, फिर यहाँ पे प्लस की जगह पे मैंने इंटू लगा दिया और यहाँ पे इंटू की जगह पे प्लस लगा दिया। क्लियर? आप इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप ऐसा भी बना सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली कि भाई 2 को बाहर रख के फिर 3 और 6 का इंटू कर सकते हो, फिर 6 को बाहर रख सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रेम बना सकते हो। ओके, तो 2 + 3.6 है, तो पहले इसमें सॉल्यूशन किसका करना पड़ेगा? 2 + 3 का। 2 + 3 प्लस टेबल में देखो तो 2 और 3 कितना मिलता है, तो कि 6, और इंटू 6 तो यहाँ पे एज इट इज है ही। अब क्या करना है, तो कि 6 × 6 इंटू टेबल में देखो 6, 6 आंसर क्या होता है? 6, यानी कि इसका आंसर हमें मिला है 6, तो इसका भी तो हमें 6 जैसा मिलना चाहिए ना। अब हम लोगों ने इस साइड क्या किया, तो कि ये ब्रेकेट को ओपन किया, 6 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 2 × 6, 3 × 6, बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। 2 × 6 फाइंड करो, 2, 6 कितना मिलता है, तो कि 2, प्लस करना है 3 × 6, 3, 6 कितना मिलता है, 3। अब हमें करना है 2 + 3, तो यहाँ पे टेबल में देखो 2 + 3 कितना मिलता है, तो कि 6, तो हमारे ये दो जो आंसर है वो मैच कर रहे हैं। सेम एज इट इज ऐसा अपोजिट भी तो कर सकते हैं ना, तो 2 × 3 देखो, 2 × 3 यानी कि 2 और 3 कितना आएगा, 1, प्लस 6 है तो 1 + 6 देखो, 1 + 6 कितना आता है, 6, इसका भी आंसर हमारा 6 आना चाहिए। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, यहाँ पे प्लस 6 बाहर था तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 × यानी कि 2 + 6 और 3 + 6 और बीच में इंटू है तो यहाँ पे इंटू 2 + 6 देखो तो गाइस कितना होता है, 2 + 6, 6 इंटू 3 + 6 कितना होता है गाइस, तो कि 3 + 6, 6 और देखो 6 × 6 कितना होता है गाइस, 6। इट मीन्स कि ये हमारे दोनों आंसर कैसे हैं, मैच हो रहे हैं, तो दैट्स वाई हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या है, अप्रूव हो रहा है। ओके, फोर्थ वन लो था कि हमें 0 और 1 भी प्रूफ करना होता है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? यहाँ पे हमें 1 और 6 ओरिजिनली क्वेश्चन में दिया है, बट ओरिजिनली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या होता है, 0 और 1, तो हमारा 1 एक्ट करना चाहिए 0 की तरह और हमारा 6 एक्ट करना चाहिए 1 की तरह। यानी कि 1 और 6 है, उसे हमें एक्ट करवाना है 0 और 1 की तरह। ओके, तो अब देखो हमारे पास टोटल एलिमेंट जितने हैं ना, वो मैंने सारे लिख लिए, 1 2 6 1 2 3 6 1 2 3 6। क्लियर? पहले हमें क्या बोला है कि हमें 0 को प्लस करना होता है। क्लियर? अगर आप 0 को प्लस करते हो और आपको सेम एज इट इज आंसर मिलता है तो 0 वाला लॉ अप्लाई होता है। क्लियर? क्योंकि हमारा लॉ कैसा था गाइस, कि एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए और एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ओके, ऐसा लॉ था, बट क्वेश्चन में 0 की जगह पे हमें कितना दिया है, 1 दिया है, और 1 की जगह पे कितना दिया है, 6। तो इट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग हमारा 0 की जगह पे कितना आंसर आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए, और 1 की जगह पे हमारा कितना आंसर आना चाहिए, 6, तो ही ये लॉ प्रूफ होगा ना। ओके, अब देखो इन सब के साथ हम लोग प्लस करते हैं 1 को, क्योंकि ओरिजिनली प्लस करना होता है 0 को, बट हमें 0 की जगह पे यहाँ पे दिया है 1, तो इन सब के साथ मैं प्लस कर रही हूँ 1 को। अब देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 भी करूँ, फिर भी हमारा ये आंसर क्या होना चाहिए, एक्स जैसा ही आना चाहिए। मतलब 1 का जो रिजल्ट है इसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, 0 की तरह ये काम करना चाहिए। तो इट मीन्स कि 1 + 1 करूँ फिर भी आंसर 1 आना चाहिए ना, अगर आता है तो राइट है। तो देखो ये सेम एज इट इज मैंने प्लस सबका कर दिया। अब यहाँ से देखो ये हमारा कैसा है, तो कि 1 + 1 प्लस के टेबल में देखो 1 + 1 कितना होता है, 1। इट मीन्स कि ये आंसर हमारा हो गया 1। क्लियर? मैंने 1 प्लस किया फिर भी कोई असर नहीं हुआ। 2 + 1 देखो तो 2 और + 1 आंसर कितना होता है, 2, कोई भी फर्क नहीं पड़ा 1 का। 3 + 1 कितना आंसर होता है, 3। 6 + 1 कितना आंसर होता है, 6।
इट मीन्स कि आप देख सकते हो गाइस कि हमारा जो वन है वो कैसे एक्ट किया जीरो की तरह। इट मीन्स कि ये बुलियन अलजेब्रा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जीरो प्रूफ करो, आप प्लस करो फिर भी आंसर सेम आता है, बट क्वेश्चन में जीरो की जगह पे हमें वन दिया है, सेम एज इट इज। ऐसा मल्टीप्लीकेशन के लिए भी करना है कि अगर आप इसके साथ इंटू वन करते हो तो भी आपको आंसर एक्स जैसा आना चाहिए। तो मैं इन सब के साथ इंटू वन कर रही हूँ, फिर देखते हैं कि इन सब का एक्ट हमारा सिक्स की तरह आता है कि नहीं। बट यहाँ पे लॉ में हमें दिया है कि एक्स इंटू वन करना चाहिए, बट क्वेश्चन में तो हमें वन की जगह पे कितना दिया है गाइस, सिक्स दिया है। तो इट मीन्स कि ये सारे वन की जगह पे हमें मल्टीप्लाई कितना करना है, सिक्स। फिर भी हमारा आंसर एक्स के जितना ही आना चाहिए, यानी कि इन सब के जितना ही आना चाहिए, तो ही ये वन की तरह एक्ट करेगा ना, कि वन को मल्टीप्लाई करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारा सिक्स मल्टीप्लाई करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सिक्स को हमें वन की तरह दिखाना है। ओके, अब इसको मल्टीपल के टेबल में देखो, पहला देखना है वन इंटू सिक्स, वन इंटू सिक्स कितना मिलता है वन, टू इंटू सिक्स कितना मिलता है टू, थ्री इंटू सिक्स थ्री, सिक्स इंटू सिक्स कितना हो रहा है सिक्स। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सिक्स को मल्टीप्लाई किया फिर भी कोई असर नहीं हुआ, हमारे जैसे एलिमेंट्स थे वैसे ही हमने लिए हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो वन है एज अ जीरो की तरह काम कर रहा है, और हमारा सिक्स है एज अ वन की तरह काम कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट वन फिफ्थ वन वाला लॉ अप्लाई करता है कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का हमारा रूल क्या होता है, तो कि एक्स प्लस एक्स डैश आपका आना चाहिए वन, और एक्स इंटू एक्स डैश आपका आना चाहिए जीरो। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले वन के लिए कंसिडर किया है, देखते हैं कि आंसर मिलता है कि नहीं। वन प्लस वन डैश, वन एज इट इज रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस वन डैश, डैश वाले टेबल में देखना है वन, यानी कि उसका डैश कितना होगा सिक्स। ये सब क्या है, तो कि वन का डैश सिक्स, टू का डैश थ्री, थ्री का टू और सिक्स का वन। तो वन का डैश कितना है गाइस सिक्स, तो वन प्लस सिक्स। अब वन प्लस सिक्स को प्लस के टेबल में देखो, वन एंड प्लस सिक्स कितना मिलता है गाइस सिक्स। हमारा रूल क्या था कि अगर आप प्लस करते हो तो आपको वन मिलना चाहिए, बट हमारा वन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है सिक्स है, हमें सिक्स मिला तो कि यस राइट है। अब मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं कि जीरो मिलता है कि नहीं। तो वन इंटू वन डैश, वन एज इट इज रखते हैं, वन डैश का मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि वो क्या होता है सिक्स होता है। अब देखो वन इंटू सिक्स कितना मिलता है, वन इंटू सिक्स वन, हमें जीरो लाना होता है मल्टीप्लाई करके, बट हमारे जीरो की जगह पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कि वन दिया है, वन आ गया यानी कि राइट है। ऐसा एक अनदर एग्जांपल टू के लिए भी चेक कर लेते हैं कि क्या मिलता है कि नहीं। तो टू प्लस टू डैश, टू प्लस टू का डैश कितना है गाइस, तो कि थ्री, तो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री, ये हो जाएगा टू इंटू थ्री। अब देखो गाइस टू प्लस थ्री हमें कितना मिल रहा है, तो कि टू प्लस थ्री यानी कि सिक्स, वन की तरह मिला यस मिला। फिर देखना है टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री वन, जीरो की तरह मिला, तो कि यस। आप कितने भी कॉम्प्लीमेंट इवेंट फाइंड कर लो, हमें सिक्स और वन मिल रहे हैं सबके लिए, तो हमारा बुलियन अलजेब्रा सिक्स और वन, जीरो और वन की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा बुलियन अलजेब्रा है।